अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज किसी बात पर तबसरा नहीं, बल्कि सीधी बात अगर कही जाए, आज बेलगाम डीसी के तौर पर मोहम्मद रोशन को अपॉइंट किया गया और यही आज का मौजू है। आज पूरे मीडिया में हो या फिर दिगर महकमा भी आज वहां पर पहुंचकर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद रोशन बिल्कुल नौजवान आईएएस अफसर हैं और बेलगाम डीसी के तौर पर इतने ऊंचे ओहदे पर उन्हें फैज किया गया है और आज उसी पर बात करते हैं। बेलगाम के नए डीसी के तौर पर अपने ओहदे पर फायज मोहम्मद रोशन हुए हैं और इससे पहले नीतीश पाटिल को बेंगलोर तबादला किया गया है। यकीनन किसी भी शहर जिले के लिए डीसी एक अहम ओहदा होता है, लिहाजा मोहम्मद रोशन कम उम्र नौजवान और आईएएस के साथ दिगर डिग्रियां भी इन्होंने हासिल की हुई है। वैसे देखा जाए तो अकलियती तबके से बहुत कम लोग आईएएस जैसे इम्तिहानात में कामयाब होकर डीसी ओहदा हासिल कर लेते हैं। लिहाजा आज तमाम महकमा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग अफसरान कहिए और जिम्मेदारान भी उन्हें डीसी के ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करने उनके दफ्तर पहुंचे। आज इन्हीं पर बात करते हुए मोहम्मद रोशन इनका क्या पस मंजर है उस पर भी बात करते हैं। उनका आबाई वतन हैदराबाद है, इसी शहर में उनकी बुनियादी तालीमात मुकम्मल हुई। अवामी मनसूबे यानी कि पब्लिक पॉलिसी मजमून में इन्होंने एमए किया। मोहम्मद रोशन कन्नड़, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु के साथ कोंकणी जुबानों पर भी अपना उबूर रखते हैं। एमए के बाद एमबीए और इंजीनियरिंग बीटेक को मुकम्मल किया। अपने घर में ही तालीमी माहौल होने की वजह से, वैसे उनके घर में डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा होने की बात कही जाती है, तालीमी माहौल होने की वजह से इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान ही आईएएस इम्तिहानात की तैयारियां शुरू की और पहली कोशिश में ही प्रीलिम में कामयाब हुए, पर अभी अहम इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। एमबीए मुकम्मल करते वक्त उन्होंने यूपीएससी के लिए दो बार कोशिश फरमाई। 2014 में 44वां नंबर हासिल कर तीसरी कोशिश कामयाब रही। मोहम्मद रोशन 2015 बैच के आईएएस अफसर है। बेलगाम डीसी के ओहदे पर फाइज होने से पहले सवनूर हावेरी में असिस्टेंट कमिश्नर के खिदमात अंजाम दी। हावेरी जिला पंचायत सीईओ भी रहे। फिर इन्हें हेस्कॉम एमडी के तौर पर अपॉइंट किया गया। बेलगाम डीसी से पहले हेस्कॉम एमडी के ओहदे पर ही मोहम्मद रोशन फाइज थे। मोहम्मद रोशन की अहलिया भी मैसूर रेल महकमा में सीनियर डीओएम के ओहदे पर अपने खिदमात अंजाम दे रही है। बेलगाम के डीसी नीतीश पाटिल, इन्होंने भी दो साल बेलगाम जिले के खिदमात अंजाम दिए। उससे पहले यानी कि नीतीश पाटिल से पहले साबिक डीसी एमजी हिरेमठ वजीफे याफ्ता होने के बाद नीतीश पाटिल ने बेलगाम डीसी के ओहदे को संभाला। दो साल के अरसे में नीतीश पाटिल ने अच्छे खिदमात अंजाम दिए। अब इन्हें बेंगलुरु में डायरेक्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा नौ मुंतखब डीसी मोहम्मद रोशन को तमाम अफसरान की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। पूरे जिले के नज्म जब्त के साथ तरक्याती काम पंचायत निगम मंडल और दिगर जिम्मेदारियां डीसी की होती हैं। डीसी कुदरती आफतों से किस तरह निपटा जाए इसके लिए भी जिम्मेदार रहता है। बाढ़, सूखा, आग और दिगर कुदरती आफतों के लिए राहत कैसे फराहम की जाए इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। पूरे जिले में किसी तरह अमन और तरक्की को बढ़ावा दिया जाए और फिरका परस्तों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी भी डीसी पर होती है, इसलिए इन्हें जिलाधिकारी कहा जाता है। जिले के जिम्मेदार शख्सियत के तौर पर डीसी अहम ओहदा माना जाता है। मोहम्मद रोशन बेलगाम के नए डीसी होने पर इत्तेहाद न्यूज की जानिब से और इत्तेहाद न्यूज की तमाम टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 7.5 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ
ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲ ಮತ ಭೇದಗಳು ನೋಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸಿ. ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಯೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.